हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया गया था, किस प्रकार से बाजार एक रेंज के अंदर चल रहा है, जिसका ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ 10,350 और नीचे की तरफ 10,280 के नीचे मिलने वाला है। तो आज फिर आप लोगों ने एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला, जिसके अंदर ऊपर की तरफ बाजार के थोड़े लो थे वो 10,370 तक पहुंच गए थे, और नीचे की तरफ बाजार ने जो लो लगाया वो 10,309 और ऊपर की तरफ जो हाई थे बाजार के वो तकरीबन 10,370 तक पहुंच चुके। तो इस प्रकार से दोस्तों, लगातार छठे दिन हम एक बड़ी ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार एक कंसोलिडेशन जोन में है। दोस्तों, अगर हावली चार्ट की बात की जाए तो हावली चार्ट पर ज्यादा कुछ बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वही सेम पैटर्न बार बार फॉलो हो रहे। बस जो बाजार हो 10,360-70 के आसपास जाता है, वहां से सेलिंग देखने को मिलती है, 10,220-30 के आसपास आता है, वहां से बाइंग देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा कीजिए कि कुछ टाइम के लिए इस रेंज को ट्रेड कीजिए, नीचे मिले तो बाय कीजिए, ऊपर मिले तो सेलिंग कीजिए। लेकिन 10,270 के ऊपर की या 360 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग बाजार के लिए काफी अहम होने वाली है, और उसके बाद बाजार एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। दोस्तों, डेली चार्ट्स पर भी सेम पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, लगातार 2-3 दिन से बाजार 20 दिन की मूविंग एवरेज को चेज करने की कोशिश कर रहा है। पहले 2 दिन हमने इसके नीचे क्लोज दी, लेकिन लगातार 3 दिन से हम 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रही वो कि लगातार 3 से 4 दिन जो बाजार ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग की, उसके अंदर बाजार थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ अपनी रेंज को शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर मैं आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम की कैंडल बना के बाजार एक ऊपर की तरफ सस्टेन किए हुए है, और उसका ब्रेकआउट देखने को हमें कल ही मिल गया था जब बाजार ने 10,325 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। तो इस प्रकार से अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर एक छोटा सा ब्रेकआउट मिल गया और बाजार नए हाईज बनाने के लिए भी तैयार यहाँ से हो सकता है। दोस्तों, अगर कॉलपुट डाटा की या फेंडो डाटा की बात की जाए तो आप लगातार देख रहे कि इंट्राडे के दौरान बैंक निफ्टी और निफ्टी में हैवी पोजीशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन शाम से होते होते जैसे ही क्लोजिंग नियर अबाउट आती है तो वो सब अनवाइंड हो जाती है। ऐसा ही दिन आज हमें भी देखने को मिला। दिन के दौरान निफ्टी के अंदर हमें कुछ पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन फिर देखिए कि जैसे ही क्लोजिंग नज़दीक आती है वापस से जो पोजीशन है वो कम होने लगती है, और आप देख पाएंगे 12 पॉइंट के गेन हमने निफ्टी फ्यूचर्स में देखे हैं, और तकरीबन 0.16% का ओपन इंटरेस्ट भी कम होता हुआ नजर वहां से आया है। दोस्तों, कॉलपुट डाटा की बात की जाए तो हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 10,350 के आसपास आज में कॉल राइटिंग देखने को मिली है, 10,400 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर पुट्स की बात की जाए तो 10,200 10,300 के आसपास हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। 10,200 की बात की जाए तो 5,43,000 और 10,300 की बात की जाए तो तकरीबन 6,91,800 यानी कि 7 लाख के करीब पुट्स का जुड़ाव वहां पर हुआ है। ये दिखा रहा कि बाजार के जो ट्रेडर्स है वो बाजार में अभी थोड़ी सी तेजी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बाजार को यहाँ से थोड़ा ऊपर खींच के लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि यहाँ के लिए बाजार के अंदर एक कॉल क्या रहेगी, तो जैसा कल भी मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर आपकी लॉन्ग नीचे की तरफ पड़ी हुई है तो आप उन्हें रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 10,290 से लेकर 10,300 ये 10 पॉइंट की रेंज अहम सपोर्ट का काम नीचे की तरफ बाजार के लिए करने वाली है। अब बाजार देखिए क्या कर रहा है, 10,360 के आसपास से सेलिंग आती है, 10,310 के आसपास से बाइंग आती है। तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ के कॉल पुट ले जो है उनको बेचने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपको प्रीमियम है वो डेली थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और वहां पर कुछ अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल ट्रेड की बात की जाए यानी कि फ्यूचर्स की बात की जाए, तो उसके अंदर आपको बाइंग करनी है सेलिंग करनी है, तो मेरी राय अपनी कल वाली ही रहेगी। कल भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अगर आप बाजार को आप नीचे से होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को 10,290 या 300 के नीचे शिफ्ट कीजिए, और लॉन्ग पोजीशंस के अंदर बने रहिए। वहीं दूसरी ओर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको नई लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो प्लीज ब्रेकआउट का वेट कीजिए या ब्रेकडाउन का वेट कीजिए। जो ब्रेकडाउन मिलेगा वो 10,280-270 के नीचे मिलने वाला है, और जो ब्रेकआउट मिलेगा वो 10,360 के ऊपर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो अपनी जो बाइंग पोजीशंस हैं उनको ऊपर की तरफ अगर 70-80 के आसपास मिलता है तो इंट्राडे के दौरान एक बार के लिए आपको लगता है कि डिप आ जाती है या फिर वहां पर सस्टेन करता है, तो उसके बाद ही बाजार के अंदर के लिए अच्छी खासी बाइंग आप कर सकते हैं। और कोई भी अगर नई बाइंग आप लोग कर रहे हैं, अगर 10,360-70 के ऊपर क्लोजिंग की बाई कर रहे हैं या उसके आसपास की बाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज एक बार फिर से शंघाई के बाजार फिसलते हुए नजर आ रहे, तो बाजार के अंदर थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।